अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नई रेसिपी आपके लिए जो लाए हैं उसका नाम है ग्रीन मटन बिरयानी। ये बहुत फेमस है, हैदराबादी स्टाइल में ये बनती है और ये हैदराबाद में बहुत मशहूर है। इसके अलावा मुल्क के काफ़ी एरिया में भी ये सब जानी जाती है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। ये है मटन आधा किलो, जिसे मैंने टमाटर प्याज और थोड़े बहुत खड़े मसाले हैं उसके साथ में उबाल कर और रख दिया है। उसके बाद हमें कुछ हरे मसाले पीसने होंगे जो इस तरह से हैं, एक 2 से 3 लहसुन, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता के, 10 से 12 मिर्ची। यहाँ पर आप मिर्ची की तादाद अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि कम मिर्ची खाते हैं, कम तीखा, इसलिए हम लोग 10 से 12 ही ले रहे हैं। कोथमीर तकरीबन 4 से 5 चम्मच हैं और पुदीना ये और सौंफ, ये सब चीज़ें हम लोग पीस के रखेंगे जो हमारे हरे मसाले में आएंगे। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले रहेंगे जिसमें आप देख सकते हैं, ये है दालचीनी, ये है काली मिर्च, 4 से 5 अदद छोटी इलायची की, 4 से 5 लौंग, उसके बाद जायफल जावित्री और बड़ी इलायची। उसके बाद कुछ और कटे हुए मसाले आएंगे जैसे कि बरिस्ता किया हुआ प्याज, ये हम लोग 6 से 7 चम्मच लेंगे, यानी कि 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर उसको लाल कर दिया गया है। फिर उसके बाद टमाटर 2 अदद बारीक कटे हुए, दही आधा कप, इसमें घी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप सिर्फ तेल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तेल और घी दोनों इस्तेमाल करूँगी, तो 1 टेबलस्पून घी है। उसके बाद 4 से 5 मैंने काजू लिया था, उसको भिगाया और उसको पीस लिया है, तो ये 4 से 5 अदद काजू का पेस्ट है। ये है नींबू जो एंड में आएगा। इसके अलावा कुछ गर्म मसाले हैं पीसे हुए, इस तरह से हैं, धनिया पाउडर आधा चम्मच, इसमें धनिया थोड़ा कम लगेगी क्योंकि यहाँ पे ताज़ी धनिया भी है इसलिए, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक 1 चम्मच, नमक हम लोग उबालते हुए में भी डाले हैं और चावल वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी डाले, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि चावल नमक कितना लगने वाला है, और गर्म मसाला 1/4 चम्मच। उसके बाद चावल लगेगा, मैं तकरीबन 1 किलो चावल ली हूँ, 1/2 किलो गोश्त के लिए, अगर आप लोग चाहें तो 1/2 किलो गोश्त और 1/2 किलो चावल भी ले सकते हैं। चावल को मैंने उबाल ली, उबालने के लिए जो पानी था उसमें थोड़ा सा घी और ये लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल के उसको अच्छा बॉयल आने दी, उसके बाद इसको डाला गया है, और 80% डन होने के बाद इसको निकाल के मैं बाहर थोड़ा सा हवा दे दी हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग परत कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को एक कलर लगेगा, नॉर्मली हम लोग पीला कलर या ऑरेंज कलर डालते हैं, लेकिन ग्रीन बिरयानी है चूँकि इसलिए हम लोग हरा कलर डाल रहे हैं। ये मैंने दूध में थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, अगर आप लोग चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, अगर सिंथेटिक के हिसाब से आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप नहीं भी कर सकते। गार्निशिंग के लिए हम लोग को थोड़ा सा पुदीने की पत्ती, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कोथमीर और ये बारीक लंबे कटे हुए अदरक लगेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए नाज़रीन अब देखते हैं, ये मैं एक पैन में तेल गरम कर रही हूँ जो तकरीबन 1 कप के इतना है, ये गरम हो चुका है। अब इसमें अपने हम खड़े मसाले डालेंगे, खड़े मसाले जो आपको बताई थी गरम मसाले सारे वो थे, प्लस सौंफ और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने डाला है, ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से मसाला तड़क रहा है, आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। गरम मसाला जैसे ही डालते हैं तेल में वो फ़ौरन से अपना फ्लेवर छोड़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बस जैसे ही ये कड़ी पत्ता थोड़ा सा अपना कलर बदल देगा बस ये डन हो जाएगा। जी देखिए कड़ी पत्ता अपना कलर छोड़ दिया है, अब हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, प्याज आप चाहें तो थोड़ा सा बरिस्ता भी डाल सकते हैं या फिर आप कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज डालूंगी। प्याज को सिर्फ गलाना है, इसका कलर नहीं बदलना है, वरना ये ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि ये ब्राउन कलर हो जाएगा और जो हमारी बिरयानी है वो ग्रीन नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा गलने देते हैं फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी हद तक गल चुका है लेकिन ये कलर नहीं बदला है, बस अभी एकदम सही टाइम है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और अपने तमाम पिसे हुए मसाले डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, और
चाहिए धनिया पाउडर। यहाँ पर हम अपनी आँच कर देंगे थोड़ा सा लो और इसको धीमी आँच पे थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है, ये मसाला थोड़ा भून जाता है, ढककर इसको भूनेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। चलिए 2 मिनट हो गया है, अब देख लेते हैं कि फिर कैसी हुई है। ठीक है, प्याज और सारे मसाले अच्छे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी आँच करेंगे थोड़ा सा तेज और इसको थोड़ा सा और तल लेंगे। ठीक है, इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले ये मसाला डालेंगे और साथ ही में हम इसमें अपना उबला हुआ मटन भी डाल देंगे। इसे तेज आंच पर बस 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। चलिए हम इसे ढक देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 मिनट बाद ये कैसा दिखता है। चलिए नाज़िम, 2 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं 2 मिनट बाद हमको कैसा दिख रहा है। वाह, देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है और ये काफ़ी हद तक भुन भी गया है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, वरना इसको ज़्यादा पकाएंगे तो इसका जो कलर है वो नेचुरल कलर जो है ग्रीन वो जाता रहेगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि इसका जो नेचुरल ग्रीन कलर है वो ग्रीन नहीं रह जाता है या आगे जाकर आप लोगों का कलर थोड़ा बदल जाता है, तो आप लोग चाहें तो ये जो हम लोग दूध में मिला कर रखे हैं, जो बाद में चावल में हम लोग ऊपर से डालने वाले हैं, ये थोड़ा सा इसमें डाल भी सकते हैं। लेकिन अभी मेरा जो है वो ग्रीन ही है तो मैं इसमें अभी कुछ नहीं डालूँगी। देखिए शुरू से लेके अभी तक का मेरी फ्लेम जो है वो अभी तक हाई पर ही है। अब मैं इसे थोड़ा सा फिनिश दे देती हूँ। आखिर में इसमें हम लोग डालेंगे दही कटी हुई। काजू का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डाल भी सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या उतना टाइम नहीं है कि आप लोग भिगाएं और पीस सकें तो आप लोग इसको नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और साथ में इसके मैं डालूंगी इसमें घी। घी शुरू में नहीं डालने का रीज़न ये था कि घी अगर कच्ची डाली जाए बाद में सिर्फ गले ना के पके तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और उसका एक अलग सा जायका आता है, सिर्फ इसलिए मैं घी बाद में डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये काजू का पेस्ट और दही डालने से कैसे रिचनेस आई है इसकी ग्रेवी में, ये देखिए ये अच्छे से पक जाना चाहिए। ये देखिए ठीक है, इसे 2 मिनट और पकने देते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अभी तैयार है कोटिंग के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेयरिंग और इसको दम पे कैसे करना है। बस 2 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद बताती हूँ आपको। चलिए नाज़िम, 2 मिनट हो गया है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका जो मसाला है ये ऑलमोस्ट डन है हमारी बिरयानी के लिए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग कैसे करना है जी। चलिए नाज़िम, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। देखिए ये जैसा आप देख रहे हैं, असल में मेरे पास पैन जो था ये बहुत छोटा था, तो अब हम लोग उसको बड़े पतीले में लेंगे जिसमें हम इसको अच्छे से दम कर सकें। तो ये जो हमारी हांडी है इसको मैंने घी से या तेल से या बटर से जैसा आप चाहें वैसा एक नीचे से कोट कर लेंगे। हम अब इसमें लेयर डालेंगे। नॉर्मली इसमें ऐसा किया जाता है दम बिरयानी में कि नीचे जो रहती है वो बीफ या मटन की जो कोटिंग होती है मसाले की, वो एक लेयर डालते हैं और उसके ऊपर चावल डालते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें 2 लेयर डालेंगे ताकि हर लेवल में हमारा एक फ्लेवर आ सके। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मसाले की एक लेयर डालते हैं। तकरीबन मसाला जो था उसका आधा हम इसमें डालेंगे नीचे की तरफ, और ये जितनी तेल है ये सब हम नीचे डालेंगे ताकि जो मसाला है ये नीचे से पकड़ ना ले। चलिए हमारी एक परत हो गई है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बरिस्ता किया हुआ प्याज, थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी अदरक, अब कड़ी पत्ता। यहाँ पर हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे। मेरे पास नींबू रस पहले से है तो मैं वो ही डाल दूंगी। अब हम इसमें हमारी राइस की कोटिंग करेंगे। आइए देखते हैं राइस की लेयर्स कैसे रखना है। देखिए राइस की कोटिंग इस तरह करनी है कि पूरा गोश्त का जो लेयर है हमारा, जो मटन का मसाले का जो पूरा परत है वो एक पूरी कोटिंग जो है वो उस पर हो जानी चाहिए। इतनी लेयर्स हमको रखनी है। ये देखिए ये हमारा चावल की कोटिंग हो गई है नाजुक। अगर आप चाहें तो इस लेवल पे भी इसके अंदर ये कलर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ अपर लेयर के लिए रखना चाहूँगी ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे आधे राइस जो है वो वाइट हो और आधे राइस जो हो ग्रीन हो, ताकि ग्रीन कलर दिख कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें फिर से हमारी मसाले की परत डालेंगे। बस इसी तरह से हमको सारी कोटिंग और परत वगैरह बनाते रहना है। ठीक है, मैं इस तरह से एक काम करती हूँ कि सारी परतें लगा लेती हूँ और उसके बाद आपको डिश आउट करके बताती हूँ कि ये देखने में कैसा दिखता है। देखिए नाज़िम, मैंने इसमें अपनी दो परतें की है, पहले मसाले की परत, उसके बाद चावल की परत, और उसके बाद फिर मसाले की परत, और सेकेंड ये चावल की परत है। अब ये जो है हम लोग अच्छे से इसको कर लिए हैं, फिर भी हम इसे थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे चारों तरफ से ताकि ये थोड़ा सा बैठ जाए, वरना क्या होगा कि अगर ये पकेगा ना तो ये थोड़ा सा भुरभुरेदार टाइप में होगा। ये हमारा जो दिख के आता है जो एक्चुअल लुक ग्रीन बिरयानी का, वो दिख के नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर से हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा अनियन जो बरिस्ता किया हुआ है। ये अदरक, कोथमीर, पुदीना और कड़ी पत्ता। जो हमारे बचा हुआ नींबू का रस है ये भी हम उसके ऊपर से डाल देंगे। इस लेवल पे आके अगर आप चाहें तो केवड़ा या रोज वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सौंफ का और पुदीने का एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, एक अच्छे से स्मेल आती है, इसलिए अभी मैं इसमें फिलहाल नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें कलर डालूंगी, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कलर कैसे डालना है। ये जो हमारा स्पून होता है इसका जो बैक साइड है, अब इसमें थोड़ा सा पेयर्स करें, और जितने इसमें से पेयर्स किए हैं, जितने होल्स फॉर्म हुए हैं उसके अंदर हमें ये डालना है। ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक की जो कोटिंग है वो सब में कलर आ जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। जो बचा हुआ है इसको ऊपर दे दें ताकि ये पकने के बाद एक अच्छा डिज़ाइन दिखाए। चलिए अब हम इस डिश को दम पे करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डिश आउट करके कि ये कैसा दिखता है।